अच्छा आउटडोर आउटर्स के अंदर O5 OWA 500 एंड एक पीस पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ऐसे था ओरिजिनल इंडोर है इसका, ओमानटेल का चार लैन पोर्ट है और एक वैन पोर्ट है, दो टेलीफोन पोर्ट है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करती, ठीक है। DSL भी सपोर्ट करता है ये राउटर, और ये काफ़ी अच्छा हाई परफॉर्मेंस 5G राउटर है, मॉन्टेल 5G फाइबर होम कंपनी ने जिसको बनाया है। इसके अंदर बैंड लॉक का ऑप्शन है, जैसा इसका बैंड 3 मैंने इस पर लॉक किया हुआ है। जो इंटरनल राउटर है उसका ये है यूज़र फेयर, जो आउटडोर है उसका वो आपको चेक करवा दिया, ठीक है। और अब आपको स्पीड टेस्ट चेक करवा देता हूँ ब्रदर, प्राइस भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सिंगल पीस पड़ा हुआ है, साफ़ सुथरी कंडीशन के अंदर है, मुकम्मल सेट। ये 60 Mbps के करीब इसकी स्पीड है, ठीक है जी। अपलोडिंग भी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, अभी आगे था डाउन हुई तो बहुत ज़बरदस्त इसकी अपलोडिंग भी है, डाउनलोडिंग भी, दोनों चीज़ें बहुत अलग क्लास है इस राउटर की। और ये इंशाल्लाह डिलीवरी हमारी है पूरे पाकिस्तान में, 2 से 3 दिन में डिलीवर आ जाता सामान। अच्छा बैंड लॉक पे आपको स्पीड चेक करवा दी है मैंने, ये देखिए 59 आई है, अभी बैंड लॉक को हटा के और फिर आपको चेक करवा दो, ठीक है। नेटवर्क स्कैन मोड, यहाँ पर आते हैं नेटवर्क के अंदर स्कैन मोड में जाके बैंड लॉक को मैंने इसको फुल बैंड भी कर देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बैंड लॉक हट जाएगा इसका, ठीक है। आपने नेटवर्क में आना है, नेटवर्क यहाँ पे आना है, ठीक है। नेटवर्क में आके स्कैन मोड में जाएंगे, यहाँ पे बैंड लॉक होगा, सारा ये सेटिंग है, ये देख। अभी मैंने बैंड लॉक हटा दिया है, अभी इसको अगेन में करता हूँ स्पीड टेस्ट। इसकी जो प्राइस है 30,000 इनके डिलीवरी चार्ज, साथ में इसके 45 फुट की केबल है। ये देखिए स्पीड अभी बैंड लगा दी, ऑटो मोड पे इसने ये 80 की स्पीड दिखा रहा है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त राउटर है, ठीक है, गेमिंग के लिए, ऑनलाइन जो स्ट्रीमिंग करते हैं उनके लिए। ये देखिए ये इसके अंदर 30,000 इनके डिलीवरी चार्जेस, पेमेंट एडवांस होगी, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है। अल्लाह हाफिज़।